बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैं दीवाने नूर, मैरिज हॉल भी है और रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे हमारे साथ हैं अबू बकर भाई जो कि यहाँ पे शेफ हैं। तो आज ये बना रहे हैं यहाँ पे बीफ कोरमा, और ये तकरीबन 160 केजी के करीब बीफ कोरमा बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं जो मैरिज हॉल होते हैं यहाँ पे, जो ज़्यादा मकदार में बीफ कोरमा बनता है वो किस तरह तैयार किया जाता है। साठ के जी जो है ना वो बीफ है, और इसको डिवाइड करके ना पांच पतीले हैं, इन्हें एक जैसा जो है वो डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम भाई, अब हम ये ना मसाला तैयार कर रहे हैं, ये जो देख के हैं इनके लिए, ठीक है? चलें। सबज़ इलायची ठीक हो, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, कलवंजी और मेथे जो है ना ये मिक्स किए हुए हैं। सफेद जीरा, खुश्क धनिया, खुश्क साबुत धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, खुश्क आलू बुखारा, आलू बुखारा के तकरीबन 3 से 4 अदद डालेंगे, खुश्क आलू बुखारा, आलू बुखारा के तकरीबन 3 से 4 अदद डालेंगे, मिक्स अचार ये डाला जाएगा अभी,
ये जो हमारा मसाला है ठीक है, ये अभी कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया जी। अभी एक एक परात जो है ना एक एक पतीले में डाली जाएगी। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अभी प्याज जो है वो डाला जाएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, अभी टमाटर जो है उसका पेस्ट डाला जाएगा। अभी जो है ना वो डाला जाएगा दही। अभी कुकिंग ऑयल जो है वो डाला जाएगा। अभी जी जो ना लास्ट में पानी डाला जाएगा। पानी ये जो पतीले हैं इनका काला रंग इसलिए है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पकती हैं और इसलिए फिर ये बाहर से काले हो जाते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ शफाफ। और अभी उस्ताद जो है ना वो इसमें चम्मच चलाएंगे चीज़ों को मिक्स करने के लिए। अभी जो है ना वो ढक्कन जो है ना वो सब के ऊपर दे दिया जाएगा। अब नीचे आग जो है ना वो तेज कर दी जाएगी। दस मिनट हो गए हैं इसको, अब दोबारा इसको हलाएंगे चम्मच के साथ। तो ना काम जो है वो तकरीबन आधा जो है वो ख़त्म हो गया है। पतीले जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिए हैं और अभी टाइम हो रहा है नाश्ते का। ये भाई जो किचन में होते हैं ना ये तकरीबन 12 बजे नाश्ता करते हैं और इन्होंने अपना काम जो है ना वो कह लें कि आधा जो है ना वो रेडी कर लिया। अभी नाश्ते की बारी है। नाश्ते में आमलेट है, चावल हैं, पराठे हैं और साथ में होगी चाय। अभी हम भी इनके साथ नाश्ता करेंगे। तो अभी सब्ज मिर्चें जो है ना वो डाली जाएंगी। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। क्रीम डालेंगे जी। चलें जी। कितने पैकेट पाने ने? दो अदद क्रीम जो है ना वो एक पतीले में डाली जाएगी। ऊपर
प्रणव भाई, ये हमने कोरमा मसाला इसमें डाले में, ये हमने आप तैयार किया खुद खुद बनाया हुआ है जी हाँ, आप लोग बाजार से भी ले सकते हैं। और अभी खुद का तैयार किया हुआ कोरमा मसाला जो है ना, वो एक बड़ा चम्मच भर भर के भाई जो है वो डाल रहे हैं। अभी हर पतीले में एक एक लीटर जो है ना वो दूध डाला जाएगा। अभी पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो डाला जाएगा। अभी ऊपर ढक्कन दे दिया गया है और आग हल्की कर दी गई है, अभी इसे दम पे रहने दिया जाएगा। और इसी तरह सारे पतीले जो है ना उनको एक एक दफ़ा हलाने के बाद दम पे लगा दिया जाएगा। तो उधर बीफ ऑलमोस्ट तैयार हो गया, अभी दम पे लगा दिया गया है। और इस साइड पे ना आज जो फंक्शन है ना उसके लिए सलाद जो है उसकी सेटिंग लगाई गई है। सलाद में यहाँ पर सलाद पत्ता है, गाजर है, प्याज है, बंद गोभी है, खीरा है और मूली। जैसे ही बारात आएगी ना, बारात का फंक्शन आ गया और ये सर्व कर दिया जाएगा। कोरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है, अभी हम देखेंगे इसकी लुक। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, अबू बकर भाई जिंदाबाद, देखने में तो सुबहान अल्लाह, वाह रे वाह, वाह माशाल्लाह। अभी बारीक कटा हुआ अदरक जाएगा। अभी खुश्क धनिया और साथ जीरा, ये पिसा हुआ दादर जिसे हम बोलते हैं, वो डालेंगे भाई। माशाल्लाह, अभी ये ढक्कन ऊपर दे दिया जाएगा और ये खुशबू जो है ना ये फैल जाएगी पूरे, मतलब सारे बीफ के अंदर अच्छी तरह। आग जो है ना वो हल्की हल्की नीचे चलती रहेगी, बिल्कुल हल्की हल्की। अभी बारात जो है ना वो आ चुकी है और अभी यहाँ पे रश हो गया, अभी टाइम होता है सर्व करने का। ये पक्सल Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का कौरमा बना है। जिंदाबाद अबू बकर भाई, माशाल्लाह मज़ा आ गया। और अबू बकर भाई जो है इनको तकरीबन 11-12 साल हो गए ये काम करते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इनके हाथ में। बारात जो है उसने दबा के खाया था, और जितना बनाया था ना एक पतीला और बनाना पड़ गया, इतना मज़े का था माशाल्लाह। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और अबू बकर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।